नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के पति और बिजनेसमैन राज कुंद्रा को सोमवार रात गिरफ्तार कर लिया है। राज कुंद्रा पर अश्लील फिल्में बनाने का आरोप है। इस मामले में उन्हें मुख्य आरोपी बनाया गया है। इसी साल फरवरी में अश्लील फिल्में बनाने और उन्हें ऐप के जरिए रिलीज करने का एक केस दर्ज किया गया था। राज कुंद्रा को इस मामले में मुख्य आरोपी के तौर पर गिरफ्तार किया गया है। मुंबई पुलिस का कहना है कि उनके पास राज कुंद्रा के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं और उन्हें गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है। मुंबई पुलिस कमिश्नर ने बताया कि क्राइम ब्रांच ने फरवरी 2021 में अश्लील फिल्में बनाने और उन्हें अलग अलग OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज करने का एक केस दर्ज किया था। इसके बाद से ही पुलिस ने कई अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी भी की थी। इस मामले में ही राज कुंद्रा को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस की जाँच में सामने आया है कि इस मामले में राज कुंद्रा मुख्य आरोपी और मुख्य साजिशकर्ता है। इस मामले में पिछले कई दिनों से जांच चल रही थी और कई लोगों को हिरासत में भी लिया गया था। पूछताछ के बाद जैसे जैसे परतें खुलती गईं, वैसे ही राज कुंद्रा का नाम इस पूरे मामले में सामने आता गया। इस पूरे मामले में पहले ही 4 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। जानकारी के मुताबिक हॉटशॉट नाम की एक ऐप पर अश्लील फिल्मों को रिलीज किया जाता था। इस ऐप के मालिक राज कुंद्रा हैं। हालांकि राज कुंद्रा ने दावा किया था कि उनका इस ऐप से कोई लेना देना नहीं है। पुलिस का कहना है कि उनके पास राज कुंद्रा के खिलाफ न सिर्फ आरोपियों के बयान हैं बल्कि टेक्निकल एविडेंस भी हैं। सो मंगलवार को मेडिकल जांच के बाद राज कुंद्रा को कोर्ट में पेश किया जाएगा। वहीं पता चलेगा कि उनके खिलाफ पुलिस के पास कौन कौन से सबूत हैं। मुंबई पुलिस ब्रांच का क्राइम ब्रांच का कहना है कि बकायदा एक ऐप बनाया गया था और उस पर अश्लील फिल्मों को रिलीज़ किया जाता था। इसके बाद लोगों से फिल्म देखने के लिए पैसे लिए जाते थे। ऐसे में पुलिस का कहना है कि ये लाखों का खेल है। जांच में ये भी सामने आया है कि लड़कियों को बड़ी फिल्मों में काम दिलाने के बहाने उनसे जबरन अश्लील फिल्मों में काम करवाया जाता था। इस मामले में अभी भी जाँच जारी है। अभी तक गिरफ्तारी को लेकर शिल्पा शेट्टी या राज कुंद्रा की ओर से कोई भी बयान सामने नहीं आया है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।